इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेमिका की अतरंग तस्वीरें उसके परिवार के सदस्यों को भेजने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी प्रेमिका की अतरंग तस्वीरें उसके परिवार के सदस्यों को भेजने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जहां कोर्ट ने कहा कि यह पीड़िता के साथ विश्वासघात करने का मामला है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश बलराम जायसवाल की अर्जी पर किया। आपको बता दें कि जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने आरोपी बलराम की याचिका खारिज करते हुए 7 फरवरी को अपने दिए आदेश में कहा कि पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर आवेदक किसी भी सहानुभूति के लायक नहीं है, और यह ध्यान में रखते हुए कि यह आवेदक है जिसने आनंद लेने के लिए अपने रिश्ते का शोषण किया, उसके बाद पीड़िता की अतरंग तस्वीरों को हासिल करने के लिए उसका विश्वास जीतने में सफल रहा और अंत में उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे पता चलता है कि आरोपी जेंडर के प्रति सबसे असंवेदनशील और धूर्त व्यक्ति है। वहीं एजेंसी के अनुसार पीड़िता और युवक फेसबुक के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे और इसके बाद दोनों के रिश्ते गहरे होते गए, जिसके बाद बलराम ने कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके कुछ अतरंग वीडियो और फोटो ले लिए, फिर उसका शोषण करना शुरू कर दिया। बलराम ने लड़की को धमकाने और शर्मिंदा करने के लिए आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट भेजने शुरू कर दिए।